हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ है होंडा की ग्राजिया 125, जो कि BS6 वाला है और ये बोल सकते हो 2022 वाला मॉडल है। और इसमें आपको क्या क्या चेंजेस मिलता है कंपेयर टू प्रीवियस, और क्या क्या नई चीज़ें ऐड किए गए हैं, और जो BS6 होने के बाद चलाने में कैसा है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फिलहाल तो पहले कैप 360 लुक देख लो, फिर उसके बाद हम लोग फ्रंट से शुरू करेंगे। तो पहले फ्रंट से शुरू करें तो आपको इधर हैंडल बार पे जो अपना DRL मिल जाता है, और उसी के नीचे आपको फुल LED सेटअप मिलता है, जो कि मैं अभी आपको जला के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये DRL जल चुका है, और उसी के साथ साथ ये है जो आपका LED, फुल LED सेटअप। और टायर की बात करें तो आपको फ्रंट में 12 इंच का व्हील्स मिलता है, और जिसका सेक्शन है 90x90, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी मिलता है फ्रंट में। और जैसे कि BS6 से आने के बाद जो नॉर्म्स के हिसाब से आपको इधर भी एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और उसी के साथ साथ साइड लुक पे आते हैं तो इधर थोड़ा कार्बन फाइबर फिनिश आपको मिल जाता है, और उसी के साथ साथ साइड पे आपको होंडा का नाम वगैरह लिख के आ जाता है, और इधर भी थोड़ा कार्बन फाइबर फिनिश है। और साइड लुक आप देख सकते हैं, और पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखा देता हूँ। तो इधर आपको ऑटो स्टार्टअप का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मैं अभी जब चलाऊँगा आपको दिखाऊँगा कैसे वायर करता है। और इधर आपका जो हेडलाइट के अपर डिपर पास और इंडिकेटर हॉर्न, और मैं आपको अभी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। तो आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक नेगेटिव में है और एक जो नॉर्मल डिजिटल है। तो ऊपर आपको स्पीडोमीटर और RPM मीटर, और उसी के साथ साथ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जो साइड स्टैंड की वार्निंग मिल जाता है, और नीचे आपको जो ट्रिप टाइम और फ्यूल का जो इंडिकेटर मिल जाता है, और उसी के साथ साथ आपको एवरेज भी मिल जाता है इस गाड़ी में। तो इसका ओवरऑल माइलेज भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो ये मेरे छोटे भाई का गाड़ी है तो वो रेगुलरली चलाता है, तो वो भी बताएगा कैसा है माइलेज का सीन। और रेंज वगैरह भी नहीं दिखा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। और टोटल 5119 किलोमीटर चल चुका है ये गाड़ी। सीट के बारे में तो सीट देख सकते हैं डिसेंटली, और जो इसका चौड़ाई वगैरह सब कुछ ठीक है, दो जन आराम से जा सकते हैं। पर अगर आपका हाइट थोड़ा ज़्यादा है मेरे जैसा तो इधर थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये थोड़ा पोजीशन थोड़ा ऊपर की ओर निकला हुआ है, ये वाला पोजीशन, तो ये थोड़ा पैर पे लगता है। अगर दो हेल्दी या लंबे लोग बैठ जाए तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है जो अभी मैं फेस कर रहा था इस रोड पे आने, जो शूट करने के लिए आने के लिए थोड़ा अपरोडिंग सिचुएशन है, तो ज़्यादा पैर पे लग रहा था इधर मेरे को। तो ये तो हो गया। और उसी के साथ साथ पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे आपको टेल लाइट मिलता है, जो कि मैं अभी आपको जला के दिखाता हूँ। इसमें आपको LED तो नहीं मिलता, बल्ब मिलता है, पर थोड़ा जो इसका डिज़ाइन वगैरह थोड़ा स्मोक जैसा किया गया है, तो आपको थोड़ा अच्छी लुक दे देता है ये। आपके जो इंडिकेटर दोनों तरफ के, और पीछे की टायर की बात करें तो इसमें आपको 10 इंच का व्हील्स मिलता है, जो कि 2 साइज छोटा है फ्रंट वाले से, और इसका जो सेक्शन है 90x100 का एग्जॉस्ट। और उसी के साथ साथ जो इंजन का बारे में बोलना आपको भूल गया, तो ये है 124cc का एयर कूल्ड इंजन, और जो कि प्रोड्यूस करता है 8.14 BHP और 10.3 Nm का टॉर्क। और जो इसमें आपको पीछे की तरफ सस्पेंशन मिलता है, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको 3-स्टेप जो गैस चार्ज सस्पेंशन मिल जाता है, जो कॉइल स्प्रिंग है, आपको 3-स्टेप एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इधर आपको एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है, और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, जो कि 130mm का ड्रम ब्रेक आपको पीछे की तरफ मिल जाता है। और उसी के साथ साथ जो आपको एक और चीज़ में दिखाना भूल गया, जो कि आपको इधर, तो इधर आपको एक छोटा सा स्टोरेज मिलता है। सीक्रेटली
स्पेस मिल जाता है जिसमें आपको अपना जो फ़ोन हो या वाटर बॉटल छोटा सा रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पेस है और डीप आप देख सकते हैं कितना है। और इधर आपको एक हुक मिल जाता है और नीचे के साइड कोई भी हुक नहीं है। तो अभी आपको थोड़ा जो मिरर वगैरह दिखा देता हूँ, मिरर वगैरह सब कुछ जो फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छा है। और होंडा की जो गाड़ियों में कोई भी दिक्कत या जो कंप्लेंट वगैरह नहीं होती है फिट एंड फिनिश को लेके, और क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हैं कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया गया है कहीं पे भी। और इधर भी आपको थोड़ा जो कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाता है। और ये तो हो गया पूरा, अभी आपको जो अंडर सीट दिखा देता हूँ। और ये आपका जो अंडर सीट स्टोरेज है, और इधर आपका जो फ्यूल फिलअप कैप मिल जाता है जिसको मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। और ये से ओपन हो जाता है और जिधर आप अपना जो फ्यूल बिना उतारे डाल सकते हो। और ये से बंद हो गया, क्या कंट्रोल वगैरह इधर ही मिल जाता है तो आपको बार बार चाबी निकालना नहीं पड़ेगा। इधर आपको जो ऑन ये हो गया, और इसी को थोड़ा लेफ्ट करके आप जो और सीट का ओपन या बंद कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आपको इधर ये जो शटर लॉक भी मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये इसका जो पीछे वाला हिस्से पे ही खोलेगा और पास से नहीं खोलेगा। तो ये थोड़ा सेफ्टी फीचर हो गया। तो अभी इसको चलाते हैं और चलाते हुए बात करते हैं इसका जो रिफाइनमेंट या पावर वगैरह कैसा है, और जो कंपेयर टू कंपटीशन ये गाड़ी कैसे निकल कर आते हैं चलाते हुए बात करते हैं। होंडा ग्राजिया का जो 125 प्राइस शुरू होता है 79,000 एक शोरूम से, और वो है जो ड्रॉम वाला वर्जन की जिसमें आपको फ्रंट में डिक्स नहीं मिलता। और ये जो डिक्स वाला वर्जन की प्राइस है 86,000 एक शोरूम समथिंग। और जो इसका रेवजल एडिशन है वो आपको मिल जाता है कुछ 89,000 के आसपास। तो और जो डिक्स वाले वर्जन से वो थोड़ा जो रेवजल एडिशन के लिए आपको 3-4 हज़ार ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये इसका हो गया प्राइसिंग। ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन कैसे काम करता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये देख सकते हैं ये ऑन है और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इधर सिग्नल आ गया, और जब भी आप चलाओगे तो आप देख सकते हैं जो स्कूटर अपने आप बंद हो चुका है। और इसका फ़ायदा जो आपको मिलता है, और जैसे ही मैंने थ्रॉटल और ब्रेक को दबाया ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई और फिर से बंद हो गई। तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ट्रैवल करेंगे तो आपका जो फ्यूल वगैरह बचेगा और आपका फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा। ये फिर से बंद हो रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली सेट हुआ है इसका। तो थोड़ा सा ही आप अगर 1-2 सेकेंड के लिए भी रुकोगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये सिर्फ जो फ्यूल एफिशिएंसी के लिए बढ़ाने के लिए है। अब जैसे देख सकते हैं मैंने ब्रेक मारा और ये बंद हो गया, और जैसे ही मैं थ्रॉटल दूंगा ब्रेक को लेके तो स्टार्ट हो गया गाड़ी। और जैसे ही आप ब्रेक छोड़ोगे और रुकोगे वो बंद हो जाएगा। तो ये है ऑटो स्टार्ट शॉप का जो टेक्नोलॉजी। तो हे गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं हमारे मोटर ब्लॉगिंग सेटअप के ऊपर, और अभी इसको चलाते हैं और चलते हुए इसका जो पावर पिकअप और सब के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो साइड स्टैंड कटअप सेंसर मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर स्टार्ट भी होगी तो जैसे ही आप स्टैंड ऑन करोगे ये बंद हो जाएगी। तो ये तो हो गया। तो पहले थोड़ा एग्रेसिवली लॉन्च करेंगे और उसके बाद बात करेंगे। दैट्स 80, और परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा तो नहीं है पर पावर बहुत ही ज़्यादा लीनियर डिलीवरी होती है। और जो इसका इस इंजन का जो स्मूथनेस है वो आपको फील होगा, कितना भी तेज़ थ्रॉटल दे दो वो आपको फील नहीं होगा, या आपको झटका वगैरह नहीं मिलेगा या कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। और जो सबसे बड़ा यूएसपी भी इस गाड़ी का वही है जो कि ये होंडा का इंजन और होंडा का जो रिफाइनमेंट वगैरह आपको पता होगा कितना सही है, और जो रिलायबिलिटी जो होंडा आपको देता है। और
और जब मैं आपको होंडा एसपी 125 पे वीडियो बनाया था तभी आपको बताया था कि वो बाइक भी कितना ज़्यादा, उसका भी पावर डिलीवरी कुछ सेम ही है, उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, बहुत ही लीनियर पावर डिलीवरी करती है। और उसी के साथ साथ जो आपका रिफाइनमेंट और जो एक जो स्मूथ इंजन मिलता है ना भाई, इस सेगमेंट में किसी में आपको नहीं मिलेगा। एक ये और जो एक्टिवा 125 जो कि सेम टू सेम ही इंजन है और सेम टू सेम पावर, जो 8.12 something BHP और 10.3 something न्यूटन का टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो भी। और उसका उसको भी मैंने चलाया है और उसका जो एक्सपीरियंस है कुछ लगभग सेम ही है, क्योंकि सेम इंजन और जो ट्यूनिंग वगैरह सब कुछ सेम ही है इसका और उसका। बस जो थोड़ा लुक के बराबर में ये लुक थोड़ा जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ऑप्टर को थोड़ा स्लीक है, जरा थोड़ा नैरो है और ये आपको थोड़ा जो चौड़ाई में इसको ज़्यादा मिलेगा। आप बात करें ब्रेक की तो आपको इस वाले मॉडल पे फ्रंट में आपको मिल जाएगा डिस्क ब्रेक और जो रियर में ड्रम मिलेगा। और ब्रेकिंग वगैरह की बात करूँ तो इसमें आपको CBS मिलेगा जो कि एक कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। और आप जब फ्रंट का जो सॉरी रियर का ब्रेक यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली फ्रंट का थोड़ा थोड़ा यूज होगा, तो इससे थोड़ा आपका जो ब्रेकिंग एबिलिटी भी बढ़ जाएगा और आपका जो नए नए जो राइडर होते हैं तो उनको थोड़ा इजी होगा, क्योंकि वो लोग डरते हैं जो फ्रंट ब्रेक से यूज करने में, क्योंकि ऐसे भी इसमें आपको डिक्स मिलता है और ABS वगैरह कुछ नहीं होता है। अच्छे चलाने वाले बंदे हो तो इसके लिए आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपका पूरा कंट्रोल बिगड़ जाता है CBS से, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे पास एक माइस्ट्रो है जिसमें आपको एक कॉम्बी ब्रेक वगैरह मिलता है, पर अगर आप कोई मिट्टी वगैरह जगह पे मारोगे ना, अगर आप मिट्टी जैसे मान लो ऑफरोडिंग सिचुएशन हो गया, अगर ऑफरोडिंग सिचुएशन में अगर आप पिछला वाला ब्रेक ही यूज करते हो, अगर आप आगे वाला यूज करोगे तो स्लिप वगैरह होने का चांस बनता है, पर वो जगह पे ये काम नहीं देता, क्योंकि आप पिछला वाला यूज करोगे तो आगे वाला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा और वो जो आगे का पहिया इतना भी छोटा है स्कूटर का, आपको पता होगा स्कूटर में कितने छोटे छोटे पहिए मिलते हैं फ्रंट में, और वो आपका गिरने का चांस बढ़ जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जो CBS का। और बाकी जो गाड़ी की पावर डिलीवरी वगैरह है देखा तो देखो, मैं फुल थ्रॉटल दे रहा हूँ फिर भी गाड़ी थोड़ा इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो स्मूथली ही रिएक्ट कर रहा है। तो ये है इस गाड़ी का जो नेचर, जो कि आपको स्मूथ और वो लीनियर पावर डिलीवरी मिलता है। और कंपेयर टू कंपटीशन अगर आप इसका मेन कंपटीटर बोल लो, वो है सुजुकी का अभिनेश 125, बर्गमैन स्ट्रीट 125 या टी जो यामाहा का रेजेडार और उसी के साथ साथ TBS का जुपिटर 125, ये इन सब का कंपटीटर है। एक आपको अगर स्मूथ और रिफाइनमेंट देने वाला एक स्कूटी चाहिए 125cc सेगमेंट में तो ये आपके लिए बेस्ट है। और इससे कोई भी इस सेगमेंट में कोई भी ऐसा स्कूटर नहीं है जो इसके बराबर स्मूथनेस और रिफाइनमेंट और रिलायबिलिटी, इजी टू मेंटेन, कोई स्कूटर नहीं दे सकता। सिर्फ इसका जो सिबलिंग एक्टिवा 125 वही इसका जो कम्पीट कर सकती है जिन चीज़ों के बारे में मैंने बात किया। बट परफॉर्मेंस के बेसिस पे स्कूटर को जज मत करना, क्योंकि बहुत सारे चीज़ होती है जब आप रियल लाइफ में मैटर करते हैं, जैसे इजी टू मेंटेनेंस और जो रिलायबिलिटी और जो पार्ट्स की कीमत वगैरह सब कुछ आपको एक अच्छे से अफोर्डेबल प्राइस में मिलना चाहिए। और अब बात करते हैं माइलेज के बारे में, तो माइलेज आप इधर जो मैंने पहले दिखाया था 51 का दिखा रहा था तो वो माइलेज कुछ मिक्स माइलेज मान लो कि एवरेज उतना ही देगा अगर आप एक क्योंकि स्कूटर बनी होती है जो सिटी की के लिए, तो सिटी में आपको लगभग 45 से 50 तक का ही मिलेगा। और डिपेंड करता है कितना ज़्यादा रस वगैरह है और आपका चलाने की राइडिंग स्किल के ऊपर भी मैटर करता है जो माइलेज वगैरह। और अगर हाईवे पे आप चल रहे हो तो हाईवे पे इजीली मान लो 55 मैक्सिमम, क्योंकि एक 125cc का स्कूटर है और पावर वगैरह भी अच्छी खासी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कम है, पर पावर वगैरह है। पर कंपेयर टू जो कंपटीशन जैसे कि एंटॉर्क, उनसे पावर वगैरह कम है, पर जो एक 125cc के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको मिलता है, आपको कभी फील नहीं होगी पावर की कमी। हाँ, पावर थोड़ा लीनियर है तो ये सब हो गया। और उसी के साथ साथ सस्पेंशन वगैरह भी सॉफ्ट साइडर पे है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। था पूरा वीडियो
जो होंडा की ग्राजिया 125। और इस गाड़ी को लेकर क्या आपका क्वेश्चन वगैरह है और क्या आप इस गाड़ी के बारे में जानना चाहते हो और कमेंट सेक्शन में बताओ, और वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और अगर होंडा की ही तरफ से SP 125 आता है जो कि एक 125 cc सेगमेंट का बाइक है, अगर वो आप उस वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाएगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर देना। बताऊँ एक और नई वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।